हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ हैंकी को अलग अलग तरीके से अपनी साड़ी में टच। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मैं बताऊंगी कि ये हैंकी है, ये कॉटन का हैंकी है। इसको हम किस किस तरीके से अपने साड़ी में टक कर सकते हैं, जो हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे बच्चों को कैरी करना है, मार्केट जाना है, तो इसको हम आसानी से अपनी साड़ी में टक कर लेंगे तो आसानी से फिर हम कोई भी अपना काम कर लेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज मैंने ब्लैक कलर की ये साड़ी पहनी है। देखिए कैसी है ये साड़ी, ये ब्लैक कलर की साड़ी। और मैंने ब्लैक चूड़ियाँ भी पहनी है, ब्लैक चूड़ियाँ। और कान में मैंने ये झुमके भी पहने हैं, ब्लैक नेल पेंट। कैसा है सब, मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ और ये हैंकी भी ले लेती हूँ। देखिए साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी। और अब हम बताएंगे इस हैंकी को किस किस तरीके से अपनी साड़ी में हमें टक करना है। ओके, सो सबसे पहले हम ये हैंकी, मैंने ये कॉटन का हैंकी लिया है और अब इस हैंकी को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से ऐसे। ओके, एंड सेकेंड इस तरह से करेंगे। देखिए मैंने ये स्क्वायर शेप में इसको कर लिया है, हैंकी को इस तरह से फोल्ड किया है। ओके, और अब हम अपनी साड़ी में इसको इस तरह से भी हम इसको टक कर सकते हैं, ऐसे करके ये इस तरह से भी हम इसको ऐसे टक कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से भी टक कर सकते हैं, है ना। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ये इस तरह से, है ना। और दूसरी तरह से भी हम इसको इस तरह से टक कर सकते हैं, इसको हम इस साइड भी इस तरह से टक कर सकते हैं इजीली। ओके, देखिए ये यहाँ पे, और इसको हम इस तरह से पल्लू कर लेंगे साड़ी का, तो ये हमारा छुप जाएगा, देखेगा भी नहीं। इस तरह से जब हमें यूज करना हो तो हम इसको आसानी से यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हो गए हैं ये, एंड थर्ड यूं करके हमने हैंकी को किया, हैंकी को लिया और इस तरह से ऐसे फोल्ड किया ऐसे। ओके, एंड ऐसे हो गया ये, और फिर से हमने इसको ऐसे कर, तो ये कुछ इस शेप में बन जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से टक करेंगे। फोन आ गया था किसी का, तो देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे टक कर लेंगे। तो ये भी हमारा ये तरीका हो गया। देखिए इस तरह से मैंने इसको हैंकी को इस तरह से टक कर लिया है, ये भी अच्छा लगता है इस तरह से। ये हो गया मेरा तरीका, और अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। तो देखिए ये हैंकी, ओके, और इसको हम इस तरह से प्लेट, जैसे हम साड़ी में प्लेट डालते हैं ना, उसी तरह से हैंकी में इस तरह से प्लेट बना लेंगे। आपने बचपन में फैन तो बनाए होंगे ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिर फैन बनाते थे, गर्मी लगती थी हमको, उसी तरह से हमें हैंकी का भी फैन बनाना है इस तरह से। जैसे मैंने ये देखिए फैन बना लिया, और इससे हम हवा भी कर सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से ऐसे लगाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए ये इस तरह से ऐसे आ गया, अगर हम चाहें तो इसको और भी इस तरह से ऐसे और फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, तो ये भी बहुत आसानी से ऐसे हो जाएगा। देखिए है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे भी इसको टक कर सकते हैं।
और कॉटन का हैंकी है तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। ऐसे हो गया ना ये ऐसे। और अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं इस तरह से। ये बीच से हम हैंकी को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। और इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं, अच्छा लगता है ऐसे फूल की तरह ये बन जाता है, ऐसे फूल की तरह ये बन जाता है। इसको भी हम ऐसे टक कर सकते हैं साड़ी में, है ना। ऐसा लग रहा है। और अब मैं दूसरा बताती हूँ। इस तरह से हमने लिया और ऐसे हैंकी का कोन बनाएंगे, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना वैसे ही ऐसे इसको ऐसे कोन बना लेंगे, कोन शेप में, ठीक है। ऐसे इसको हम यहाँ भी टक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम इसको ऐसे भी टक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे हो गया। ऐसे भी टकर सकते हैं, ऐसे साड़ी में इस तरह से, तो ये बहुत छोटा सा हो जाता है। अभी मैंने इस तरह से फोल्ड करना बताया था ना आपको, और अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना, छोटा सा हो जाता है। देखिए ये भी कितना छोटा सा हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। इस तरह से ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ हैंकी है, ये हैंकी भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये हैंकी इस तरह से क्लिक किया इसको, और इसको फिर से ऐसे कर दिया। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो इसको और छोटा कर देंगे हम, इतना सा, इतू सा, है ना, इतना सा कर दिया। और इसको हम इस तरह से चाहे तो इस हैंकी को हम यहाँ भी टक कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, किसी भी साइड आपको जो आपको मतलब ठीक लगे, जहाँ आपको आराम मिले लगाने में, आप वहाँ इसको ऐसे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको यहाँ पे टक करके बताती हूँ, जहाँ भी आपको ठीक लगे आप इस हैंकी को टक कर सकते हैं। इससे अगर आपको इतना भी साड़ी के ऐसे अंदर करना है ना, तो आप इसको इतना अंदर कर सकते हैं, इस तरह से इतना भी अंदर कर सकते हैं, ऐसे, है ना। और आप चाहें तो इसको इस साइड भी टक कर सकते हैं। तो ये तरीका भी अच्छा है, ऐसे हम कर सकते हैं साड़ी को टक इस तरह से। और ऐसे बहुत से तरीके होते हैं हैंगी को अपनी साड़ी में टक करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको लगभग 7-8 तो बता ही दिए होंगे। अब ये हैंगी ऐसे, फिर इसको हम चाहे तो यहाँ भी ऐसे टक कर सकते हैं, ऐसे हो गया। इस साइड इसको मैंने टक किया है, इस साइड ऐसे। सो गाइस, ये था मेरा हैंकी को साड़ी में टक करने का तरीका। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।